ये है जी माउंटेन लेक, जो हम बहुत सारे ग्रुप्स हमने ऐड किए हुए हैं जिसके अंदर हम देखते रहते थे कि माउंटेन लेक फलां भी पहुंच गया। आखिरकार आज हम भी पहुंच गए यहाँ पे। हमने ये कैंप लगा लिया है अपना ये, और अब हम चिकन टिक्का की तैयारी कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये हैं जी टिक्का बनाने वाले भाई शेफ अदील अहमद खान। आज आपको माउंटेन लेक में बैठ जाके सर, ये हमारी लाइट है जी लैम्प। आज हम आपको माउंटेन लेक में चिकन टिक्का बनाना सिखाएंगे। रेसिपी में है हमारे पास चिकन, हमारे पास शान मसाला टिक्का नेशनल का नहीं मिला इसलिए शान, हमारे पास है सिरका और हमारे पास है लेमन। ठीक है जी, सबसे पहले हम डब्बा खोलेंगे टाइम नहीं है, मैं सब इकट्ठे शॉपर में मसाला है से डाल। ये नाज़रीन देखिए, आप जैसा कि देख रहे हैं गौर फरमाइएगा, ये क्या मसाला ज्यादा ना हो जाए। ये है जनाब साहब नींबू, ये नींबू है अंदर, बैठ जाए सर बैठ जाए। देखिए आज तसल्ली से हम आपको चिकन टिक्का बनाना सिखाएंगे। कैसे सर, गोश्त की शक्ल में दिखाओगे जरा के? लोग कहेंगे जी पागल बना रहे हैं शॉपर में कुछ भी नहीं। ये जी आप नजदीक हो गए, ये ट्राउट फिश है, ट्राउट फिश। ये हमारे पास लाइट है, मोटरसाइकिल पे लगाई हुई है, ये सामान तैयार कर लें उसके बाद कैंप में लगाएंगे। ये देखें नाजी, इसको मैरिनेट करेंगे अच्छी तरह। ये सर नीचे शॉपर में सुराख है तो मुझे सिरका भी गिर गया, चलो सिरका और डालो। ये डालो ये सर सिरका बड़ा है नाज़रीन, आपको चाहिए तो आप भी ले लें। कैसा टाइम नोट कर ले यार, इसको ना घंटे दो घंटे बाद बस। ये साहब अगर आप थक गए हो तो मुझे बता देना, मैं आपकी हेल्प करवा दूँ। ये सब देखना मसाला ज़्यादा लाल तो नहीं हो गया, डाल दो आधा कुछ डब्बा खोल कर डाल दूंगी सर। आधा डब्बा खोल के और डाल दो, कोई नहीं चटपटा बना ना मस्त। पानी है ना मेरे से बोतल में, पानी की बोतल। अस्सलाम वालेकुम, अंधेरा हो गया जनाब, हवा बहुत तेज़ है और ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास भी इसका हल है। हमने आग लगाई हुई है कैंप के साइड पे, आराम से जम्बुलान खोला हुआ है, ये हमारा स्लीपिंग बैग जिसको हमने गौन तकिया बनाया हुआ है, और ये रखकर बैठे हैं, ये इमरजेंसी के लिए लाइट। बहुत मज़ा आ रहा है, लोकल बंदे से लकड़ी लेकर आग लगाई है। बेसिकली हवा हर जगह बहुत ज़्यादा है, तो लकड़ी बड़ी स्पीड से बर्न हो रही है, और हमारे पास कोई हल भी नहीं है कि हम कहीं ऐसी जगह पर जाए लकड़ी जो है ना कम चले। तो ये है कि एंजॉय मार रहे हैं, ये मैंने अपना सेटअप बनाया हुआ है, चिकन में मसाला लगा दिया, जैसे मैरिनेट हो जाएगी वो थोड़ी देर उसको फिर इसी लकड़ी इसी आग में जो है ना हम कोयले बना के जो है वो करेंगे। मेरे लिए मोमेंट बहुत ज़्यादा स्पेशल है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है। हम लोग तकरीबन 3.5 घंटे जो है बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रफ़ ट्रैक जिसे आप कह सकते हैं, जितना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, उससे भी ज़्यादा रफ़ ट्रैक था जिसमें हम आए हैं। कहीं हमें लगा कि हमने शायद गलती कर ली है, लेकिन हमें पता था कि वो हमारी इतनी मेहनत जो है ना वो हमें कोई ना कोई सिला दे देगी इसके आने की। तो हम जब आए हैं यहाँ के हमने व्यू देखा तो बहुत अच्छा व्यू था,
बहुत मज़ा आया। यहाँ पहुँचे, यहाँ आके व्यू देखा, व्यू देखकर हमारी थकावट उतर गई। उसके बाद अब ये कैंपिंग का जो मज़ा है, कैंप हमने लगा लिया, बिस्तर विस्तर खोल लिए, आग लगा ली है, अब इंशाल्लाह जितनी देर हो सके हम यहाँ बैठेंगे, खाएंगे पियेंगे, इंजॉय करेंगे। ये जो मज़ा है लाइफ में, मेरा ख्याल है कि इस तरह का मज़ा नहीं है। हम लोग इतने जो हमें जॉब से हमें जो एनुअल लीव्स मिलती हैं, एक साल बाद हमें मिलती है, हम लोग अपना टूर प्लान करते हैं, हम अपने पॉइंट्स डिसाइड करते हैं, हम लोग अपनी बजट को हम लोग जो है बजट हम लोग बनाते हैं अपने टूर के खर्चे का, हम लोग पैसे निकालते हैं, हम लोग अपना टाइम खर्च करते हैं, थकते हैं, खपते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। उसके बाद छुट्टियाँ लेते हैं, छुट्टियाँ लेने में बहुत अजाब है क्योंकि मेरा, कैसर का और मियाँ साहब का, तीनों का अलहदा अलहदा डिपार्टमेंट है, हम तीनों को अपने अपने डिपार्टमेंट से छुट्टी लेनी पड़ती है और तीनों को एक साथ छुट्टी लेनी पड़ती है। वो लेने के बाद फिर हम अपने घर वालों से परमिशन लेते हैं, उसके बाद हम अपनी बाइक्स रेडी करते हैं, बाइक्स पर खर्चा करते हैं, उसके बाद जाके हम फिर बाइक्स बिल्टी कराते हैं, फिर हमारा बाइक पे पेट्रोल का एक्सपेंस होता है, दिन खर्च होता है, टाइम खर्च होता है, मतलब थकते हैं खपते हैं। लेकिन इसी इन्हीं व्यूज़ के लिए इस जैसा मज़ा कहीं भी नहीं है। मेरा ख्याल है ये तो सिंपल एक एडिक्शन है, क्यों भी ऐसा, जब तक हमें साल के बाद ये चीज़ ना मिले तो हमारी जो है ना तरोड़ पूरी नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मियाँ साहब और कैसर को किसी किस्म का शौक़ नहीं है, हर बंदे का अपना अपना पैशन शौक़ होता है, किसी को कबूतरबाजी का होता है, कोई गाड़ियों का शौक़ रखता है, कोई अपने पास जानवर पालता है, पेट्स पालता है, तो हमारा शौक़ जो है ना ये बाइक्स, बाइकिंग और ये एडवेंचर है, तो हम सेफ़ एडवेंचर करते हैं, अपने आप को भी सेफ़ रखते हैं और अपनी बाइक्स को भी सेफ़ रखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारा सफ़र बहुत अच्छा गुजरा, उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे जाके भी हमारा सफ़र अच्छा गुजरेगा। अगर आप लोग भी ये करना चाहते हैं एडवेंचर तो ज़रूर करें, मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर बजट, प्रॉपर रिसर्च के बात करें, वरना आप ऐसा जलीलो ख्वार होंगे कि आपकी सोच है कि नहीं, बहुत ज़्यादा ऐसा जलीलो ख्वार होंगे कि आपकी सोच है, क्योंकि ये चीज़ इतनी प्लानिंग मांगती है और इतना हम लोग डेज कैलकुलेट करते हैं अपने पॉइंट्स के, यहाँ जाना, यहाँ जाना, डेज भी और टाइम भी, डेज एंड टाइम हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, वरना आप ऐसा जलीलो ख्वार होंगे कि आपकी सोच है। मेरे कोलीग्स, मेरे दोस्त यार, जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर, जो भी नया बंदा, जो भी पुराना बंदा ये वीडियोज़ देख रहा है, तो उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये वक्त हमारे लिए बहुत 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 स्पेशल और कीमती है, हम इस टाइम को बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं और मतलब प्राइसलेस मोमेंट्स। अगर आप घर बैठ के एसी में बैठ के अगर आप फाइव स्टार रेस्टोरेंट का खाना खाते हो या फाइव स्टार रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हो और जो है ना इस्लामाबाद के कई मोनाल में बैठ के, लेकिन यहाँ बैठ के इस आग के सामने हम जो बारबेक्यू बना के खाएंगे, अपना टाइम गुजारेंगे, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिस तरीके से हम यहाँ पहुँचे मियाँ साहब, कितनी मेहनत लगी है हमें, तकरीबन चार घंटे लगे हैं, चार घंटे लगे, इंतहाई रफ ड्राइव था और मतलब मम्मी डैडी बच्चे या जो बाइक्स नहीं चलाते ना तो बाइक पे तो आप भूल जाए ना, गाड़ियाँ भी रिकमेंड नहीं है, बाइक्स पे आप आए, सॉरी जीप्स पे, सिर्फ और सिर्फ जीप्स पे, बाइक पे हम जैसे तैसे आ गए हमें पता है। तो इस तरफ हो गई हवा थोड़ी सी, यहाँ आए, लेकिन यहाँ आने के बाद हमारा इतना थकने खपने के बाद हमारे अब जो है ना हमें वो सिला मिल रहा है और हम जो है ना हैप्पीली बैठे हैं, रिलैक्स होके, ठंडी हवा है, ठंड बहुत ज़्यादा है, ये देखो आग की हवा से अंदाज़ा लगा लेंगे कितनी तेज़ आग चल रही है। तो इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में बारबेक्यू बनाएंगे और गाने भी सुनेंगे, ये सब लाओ गाना, लाओ गाना। और डाकू किधर है, डाकू लगता है इधर भी कार्रवाई डालने चला गया किसी कैंप को में घुस के। चिकन मैरिनेट में पड़ी हुई है, घी, ये अंगीठी बन गई, इस पर हम ऐसा सीखे रखेंगे, कोयले, सॉरी घी नहीं, चिकन, घी, कोयले और वो लीमू वगैरह मसाला है और वो सीखे पड़ी है, वो देखो ऐसे नज़र आ रही है, आग लगी हुई है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये हमने जम्मू लॉन, वो हमारा कैंप, रात के 7:54 हो रहे हैं और लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है अचानक। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊँ मैं आपको, नज़र तो नहीं आएगा, ये देखें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, ये देखें, ये अगर आप गौर से देखें तो आपको कुछ नज़र आया, और ये ठंडे पानी में ठंडे करने के लिए रखे हैं, मैं कहता हूँ रोलते गए पर चस बड़ी है, ये नदी है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, टोटल ब्लैक आउट है, सॉरी। हेलो जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, बारबेक्यू बन रही है, ये कोयले जल रहे हैं, कैसा लाइट जला ले, और ये देखें मेरे से लाइट कहाँ जो आपको, ये देखें नाजरीन कोयले, ये मैं, ये कैसर, ये मियाँ साहब, बारबेक्यू दिखाना मियाँ साहब, जी सर,
ये बारबेक्यू ये टेस्ट अच्छा है इसको, जबरदस्त टेस्ट अच्छा है, कमाल टेस्ट पर अभी बनाए सी फटाफट करें। चलो जी शेफ अनिल का खाना सही रहा यानी। ये देखें नाजरीन टॉर्च को मैं ऐसे बालों में फंसा के ऐसे बना रहा हूँ और साथ साथ खा भी रहा हूँ। मजा की किसने खा दी। तरसो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम लोग तकरीबन 7 बजे से बैठे हुए हैं यहाँ मॉर्निंग लेट, 10 बज गए हैं। बारबेक्यू भी कर लिया, टिन कैन भी पी लिया और बस खा पी भी लिया। अबे ख़राब हो जाएगी, इतनी गर्म होगी यार, अल्लाह के बंदे नहीं खाई जानी थी। ये कैसा साहब घर से देसी घी की दाल बनवा के लाए थे, दाल का हलवा बेसिकली वो खा रहे हैं। ये बैठे कैसे साहब, मैं बैठा हूँ, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, फ्रीजिंग हो रही है, सगन मज़ा भी आ रहा है बैठने का ना। तो कोयले भी हमारे पूरे हो गए हैं, बड़ी मज़ेदार दाल बनाई है। अब हम प्लान करें कैंप में चलेंगे, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा टाइम गुजरा। चम्मच इसमें रखा है, फिर कहूँगा कि बाइक पे ना आए, बिल्कुल रिकमेंड नहीं है, गाड़ियों में ना आए, और जो है फैमिली है तो जीप पे आए, लड़के हैं तो जीप पे ना आए। बाकी यहाँ पे ये कैंपिंग शैम्पिंग चीज़ें मिल जाती हैं खाने में, बाहर कर लो, बाहर कर लो, बहुत गर्म हो गई मेरी साहब। उठाओ उससे, उठाओ वो कम, वो दे ये। पत्थर पे रख दे। हालात ये होते हैं आने आते वक्त के, पहले या दूसरे गियर पे, मैक्सिमम पहले गियर पे चढ़ रही थी बाइक, तीसरा गियर तो लगता ही नहीं है। तीसरा गियर के ना वो पत्थर दूसरा भी कम लगता है, दूसरा भी कम लगता है पहला गियर पे। कई जगह पे हमने खुद उतार के बाइक को धक्का लगा के चढ़ाया है। सिचुएशन है, आए जगह बहुत अच्छी है, अब हम थोड़ी देर में कैंप में चल जाएंगे तो वहाँ पर भी एक छोटी सी गुड नाइट वीडियो बनाऊँगा। ये आई वीडियो। हेलो जी व्यूअर्स, एट लास्ट हम लोग कैंप लगा के घुस गए तीनों अंदर। वो देखें वो तीनों लेटे हुए, मैं फ्लैश ऑन करूं। हेलो ये हमारा बैग पड़ा हुआ है, ये देखें ये हेलमेट्स, हेलमेट्स के नीचे बैग, फिर ये बैग और इस बैग के नीचे भी बैग। ये हमने कैंप लाइट लगाई हुई छोटी सी, ये हमारा हेलमेट है और ये देखें ये हमारे बिस्तरे, ये बिस्तरे देखें, ये इधर से देख लें ये मेरा बिस्तरा, इधर मैं सोऊंगा, ये ऐसे। चलें जनाब, गुड नाइट है। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, सी टुमारो। हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें। गुड नाइट नाजी, ये हमारा कैंप है छोटा सा, लेट जाए, होम स्वीट होम, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा।